नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी पॉडकास्ट में। मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं प्लग इन अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, संतुलन। जी हां, सही सुना आपने। जीवन में संतुलन कैसे स्थापित करें और खुश कैसे रहें, यह हमारी आज की बातचीत का मुख्य उद्देश्य होगा। आधुनिक जीवन की दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हमारा जीवन अक्सर असंतुलित और अव्यवस्थित हो ही जाता है। हम भली भांति खुश रहने के लिए अपने परिवार, काम और अपनी आत्मा की देखभाल के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम जानते हैं कि संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी स्वास्थ्य और तनाव की देखभाल करना। नियमित व्यायाम और योगाभ्यास करने से आप अपने शरीर को सुचारू रूप से संतुलित रख सकते हैं। इसके अलावा मेधावी खान पान, पर्याप्त नींद लेना और ध्यान में रखना आपकी मानसिक स्थिति को भी सुधारेगा। दूसरे, समय प्रबंधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने कार्य, परिवार और आपकी पसंदीदा गतिविधियों के बीच समय बांटने का प्रयास करें। समय को व्यवस्थित रूप से बांटने से आप स्वतंत्र और आनंद का अनुभव कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को संतुलित बनाए रख सकते हैं। तीसरा, संबंधों को महत्व देना आवश्यक है। जी हाँ, परिवार, मित्र और पास के लोगों के साथ समय बिताने का प्रयास अवश्य करें। संबंधों को बढ़ावा देने से हमें आनंद मिलता है और हमारी आत्मा को ऊर्जा देता है। चौथा, अपने अवकाश और मनोरंजन का समय निकालने में न हिचकिचाएं बिल्कुल भी। यह आपको आराम और प्रशांति का संतुलन प्रदान करेगा। अपने अवकाश पर यात्रा करें, किताबें पढ़ें, फिल्म देखें या अपनी पसंद की कोई गतिविधि करें। इससे आपकी ताजगी बढ़ेगी और आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। और अंत में, धैर्य और मानसिक स्थिरता को बनाए रखें। संतुलन स्थापित करना समय और प्रयास मांगता है। जीवन के रुख के साथ आपको बदलने की क्षमता रखनी चाहिए और अधिकांश स्थितियों में स्थिर बने रहने चाहिए। इसमें धैर्य, सकारात्मक सोच और स्वयं के प्रति प्यार शामिल होता है। दोस्तों, जीवन में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि यह हमारी खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि की नींव होती है। हमेशा याद रखें कि आपकी खुशियों को और आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी ही है। इससे पॉडकास्ट का आज अंत होता है। धन्यवाद अपने समय देने के लिए। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपको संतुलन की ओर एक कदम आगे ले जाने में मदद करेगी।